जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो बेटा, ये गौ माता को बेच रहे हो बेटा? हाँ बाबा, बुढ़ी गाय हो गई ले, बेच दे तो 4 पैसा मिल जाए, क्या करब दुआरे रख के फालतू। अरे बेटा ये जानते हो किसके हाथों बेच रहे हो? हाँ बाबा। अरे बेटा ये लोग क्या करते हैं बेटा जानते हो? सुनो मैं बताता हूँ बेटा। बताओ बाबा। मर गईली माई तो हके पलाली, गाई हो कसाई हाथे ना, हो कसाई हाथे ना, का तू पैबा काटवाई हो कसाई हाथे ना। जब तू छोट था बेटा तो तेरी माँ गुजर गई बचपन में ही, आज इसी गौ माता का दूध पी के इतना बड़ा हुए हो बेटा, और ऐसा कर रहे हो बेटा? ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, सुन मेरी बात। बारह बारिश तो हके दूध हवा पियावली, रुखा सुखा जवन दिहला खा के दिन बीतवली, हाथे ना, का तू पैबा कटवाई हो कसाई हाथे ना। तब का करी महाराज, कहीं छोड़ दे तो किसानों लोग तो कसाई से कम ना मारत हुआ। बेटा इसको अपने घर पे पाल, इसे खिला, सुन मेरी बात। चार छह माह बेटा आऊ रुखी आई दा, करा सेवा काई घर में खुशी ना समाई हो कसाई हाथे ना, हो कसाई हाथे ना, का तू पैबा काटवाई हो कसाई हाथे ना। बेटा ये गाय बुजुर्ग हो गई है, इसे 4-6 महीना और खिला दे, इसके पुण्य प्रताप से बेटा तुम लोग बहुत आगे जाओगे, मगर इस कसाई के हाथ मत बेच बेटा, सुनो मेरी बात। गऊ दाना कोइला से पार होले आत्मा, गौदान पैला से पर होले आत्मा, होले आत्मा हो पर होले आत्मा, पर होले आत्मा हो पर होले
सेवा इनके राम कृष्ण पूजय लय महात्मा बेटा। ऐसा पुराण में बताया गया है बेटा कि गौदान देने से बेटा जो मृत आत्मा होती है बेटा उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। सिया राम चेताई का है संतोष गाई हो कसाई हाथे ना हो कसाई हाथे ना का तू पै बकटवाई हो कसाई हाथे ना मेरी बात समझ में आई बेटा। हाँ बाबा अब हमें के ना बेचब इनकर सेवा। बाबा गुरु गोरखनाथ तुम लोगों का भी कल्याण करें बेटा।